हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपकी कुछ बातों को याद करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको चाह के भी भूल ही नहीं पा रहे। हो सकता है वो बातें उनको अच्छी यादें दिलाती है, वो बातें उनको कुछ गुस्सा दिलाती है, वो तो डिपेंड करता है जब हम रीडिंग देखेंगे। लेकिन ये तो ज़रूर है कि वो आपको चाह के भी भूल ही नहीं पा रहे। कुछ आपकी ऐसी आदतें, उनको जिस तरह की आपकी आदत थी, कुछ ऐसी बातें जो वो चाह के भी अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रहे। दो पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल वन पे है ये ब्लैक परफ्यूम और पाइल टू पे है ये ब्लैक क्लिप। जिस पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस पाइल को सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों ही रीडिंग्स देख लें। जिस रीडिंग को देखकर आपको लगे आपकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मैच होती है, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पाइल वन ब्लैक परफ्यूम के साथ। कौन सी आपकी बातें हैं जो आपके पर्सन को याद आती हैं और वो चाह के भी आपको भुला नहीं पा रहे। वो बातें शायद उनको प्यार लाती हैं आपके ऊपर, शायद गुस्सा भी लाती हैं, लेकिन वो तो पता चलेगा जब कार्ड्स खुलेंगे। अगर साइंस देखते हैं तो फ्रेंड्स, फायर साइन का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, एयर का भी स्ट्रांग है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी क्योंकि सिचुएशनल रीडिंग है। आइए देखते हैं क्या बातें हैं आपकी जो आपके पर्सन को बहुत याद आ रही हैं इस वक्त। आपका उनसे बेहद प्यार करना उनको याद आ रहा है, और यही नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं, प्यार तो वो भी आपसे करते हैं क्योंकि उनका दिल बुरी तरह से टूटा है। उनको लगता है आपकी वजह से वो दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके बहुत ज़्यादा किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स करने की वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और ये सोच कर उनको थोड़ा गुस्सा आप पर आ रहा है कि अगर आपने थोड़ा उस वक्त रूडनेस कम रखी होती, थोड़ी कम तकलीफ पहुंचाई होती उनको, तो शायद आज आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं होते। एक बात तो तय है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं रहने वाली है। लेकिन आपके पर्सन को जो आपकी मीठी मीठी बात लगती है, जो बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि आपका एकदम सजना सवरना, हर वक्त खूबसूरत दिखना, चाहे आप लड़का हैं या लड़की, आपका हर वक्त बने ठने रहना आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। आपका जो सेल्फ लव है उनको वो बहुत पसंद है, क्योंकि शायद आपके पर्सन आपके इस सेल्फ लव से खुद भी इंस्पायर हुए हैं। आपका खुद को इस तरह से प्रोजेक्शन अपना करना, दैट आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई कैन फेस एवरीथिंग, आई एम स्ट्रांग इनफ, तो कहीं ना कहीं आप उनका हौसला भी हो, इस बात से आपके पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, और उनको आपकी इस वक्त यही बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो इंसान उनका हौसला थे, जिस इंसान की वजह से वो एम्पावर्ड फील करते थे, इस वक्त वो इंसान उनसे दूर है। उनको लगता है आपने किसी के बहकावे में आकर, और वो खुद ही गुस्सा हो रहे हैं ये सब सोच के कि आपने किसी के बहकावे में आकर उनसे शायद कोई आर्ग्यूमेंट की है, ये उनको लगता है। मैं फिर भी ये नहीं कह रही ये आपने ऐसा किया है, उनको लगता है आपने किसी की बात सुन के उनके बहकावे में आके अपने पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया है, सोचे समझे बिना कोई एलिगेशन शायद आपने उन पर लगाया है, इसलिए आप दोनों में दूरियां हैं। और ये सोचकर उनको बहुत ही दुख भी हो रहा है और आप पे गुस्सा भी आ रहा है। उनको ये लगता है कि आप इतने समझदार होकर आप क्यों किसी की बात में आकर आपने उन पर शक किया,
ये उनको लगता है, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसे हैं, लेकिन वो ये फील कर रहे हैं आप किसी की बात सुनकर आपने उनसे कोई झगड़ा मोला है, तो आपकी इस बात पे उनको गुस्सा आता है, लेकिन उनको आपके प्यार पे विश्वास है, आपकी खुद के ऊपर जो आपका विश्वास है उस विश्वास पर उनका विश्वास है। लेकिन जिस तरह से आपने उनसे थोड़ी लड़ाई कर ली है किसी भी वजह से, शायद वो बात सही हो सकती है, वजह सही हो सकती है, लेकिन ये तो ऐसा ही है ना कि जो इंसान इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में है वो अपने आप ऊपर गिल्ट लेने की बजाय सामने के पर्सन के ऊपर ही डालने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त उनको ये लगता है कि आपने किसी की बातों को सुनकर उनसे फालतू में झगड़ा मोला है, वो हर्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन को ही मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो आपकी बहुत सारी बातें हैं जो उनको पसंद है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको आपसे तसल्ली मिलती है, आपके पास रहने से हौसला मिलता है जो इस वक्त उनका टूट रहा है आपकी एब्सेंस में। तो फ्रेंड्स, ये है पाइल वन का रिजल्ट कि आपके पर्सन को आपकी क्या बातें इस वक्त याद आ रही हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस बात पे प्यार आता है या किस बात पे गुस्सा आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल टू। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल टू ब्लैक क्लिप जिन्होंने सिलेक्ट किया था, आइए देखते हैं आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें याद आ रही हैं, क्या याद करके उनको आप पे प्यार आता है और क्या याद करके गुस्सा। चलो अच्छा हो गया, पाइल वन में पेंटेकल्स नहीं थे तो इसमें पेंटेकल्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन बहुत इन्फ्लुएंस है, वाटर साइन नहीं है, कोई बात नहीं, तो भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप पाइल वन भी देख सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन को आपकी क्या बातें याद आती हैं जिसकी वजह से कभी उनको प्यार तो कभी गुस्सा आप पर आता है। सबसे पहले तो आपके पर्सन को आपका पजेसिव होना बहुत याद आता है, आप जिस तरह से उनके लिए पजेसिव थे ना, वो उनको बहुत याद आता है। इस वक्त जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है तो उनको अजीब सा लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है उनकी लाइफ में, उनके आसपास, जो उनके लिए पजेशन दिखाए। आपका हर वक्त ये पूछना, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये किससे बात कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों गए, वो क्यों किया, इस वक्त उनको ये सब बातें बहुत याद आ रही हैं। हो सकता है आप दोनों में जिस तरह की सिचुएशन थी, आप दोनों एक दूसरे से जिस तरह से दूर हुए, जिस तरह का इमोशनल बर्डन आप दोनों इस वक्त उठा के चल रहे हो रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट इज वेरी बिग इमोशनल बर्डन फॉर द कपल, उसका वजन अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ये चीज़ महसूस होती है कि जिस तरह का इमोशनल बर्डन वो लेकर चल रहे हैं आप भी लेकर चल रहे होंगे, उनको पता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं उनके लिए। लेकिन जिस तरह से आपने अचानक से उनसे कम्युनिकेशन रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है, उनको थोड़ा टेंशन होने लगा है, उनको थोड़ा डर लगने लगा है, उनको ये चीज़ याद आ रही है कि ये इंसान मेरे बिना जो एक पल नहीं रह सकता था या रह सकती थी, हज़ार सवाल मुझसे करता था या करती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, आज ये इंसान इतना चुप होकर बैठा है, तो ये भाई क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, क्या हो रहा है, ये सोच सोच के परेशान है और कन्फ्यूज है। ये सोचकर उनको गुस्सा भी आ रहा है कि वो पजेशन को मिस कर रहे हैं, आप जो उनके लिए पजेसिव थे उस पजेशन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चाहे आपका लड़ना झगड़ना पजेशन की वजह से, हो सकता है यही वजह हुई हो जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हों, आपका बहुत पजेसिव होना, उनको उस वक्त बहुत गुस्सा आया होगा कि जाओ तुम इतने पजेसिव हो, मुझे तुमसे अभी बात ही नहीं करनी है, लेकिन आज इस मोमेंट पे आपका वही पजेसिव नेचर उनको याद आ रहा है, क्योंकि आपके पजेसिव होने की वजह से उनको एक रुतबा लगता था, उनको एक इम्पॉर्टेंस फील होती थी जो अचानक से ख़त्म हो गई है उनकी लाइफ से। वो आपको स्टॉक भी करते हैं, वो हर्ट भी हैं, गिल्ट में भी हैं कि उनको लगता है, हो सकता है उन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से आप जो उनके बिना
एक पल नहीं रह सकते थे, उनकी पल पल की खबर रखते थे, अचानक आप इतने चुप हो गए हैं, ये गिल्ट उनको बहुत फील हो रहा है। थोड़े डर भी रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, और फिर ये बात याद आती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान मेरे लिए तो इतना पजेसिव है, ये कैसे मूव ऑन हो सकता है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस आपके पर्सन को इस वक्त आपको लेकर आ रहे हैं, बहुत घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कोई एक्शन लें, सोच रहे हैं वो आपके पास आए, लेकिन जब आपको उनको ये याद आता है ना कि आप इतने पजेसिव हैं, आप तो आ ही जाएंगे, लेकिन जैसे आपने भी इस वक्त ज़िद पकड़ ली है, उस बात से उनको प्यार भी आता है आपकी, उसी बात से गुस्सा भी आ रहा है कि ये इंसान इतना पजेसिव होने के बावजूद इतना चुप कैसे हो गया है, इतना दूर मुझसे कैसे हो गया है, ये सब क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, मैं एक्शन लूँ कि ना लूँ, ये इंसान मेरे लिए इतना पजेसिव है तो क्या पता आ ही जाए खुद। इस तरह के मिक्स थॉट्स आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर आ रही हैं, खुद को गिल्टी भी फील कर रहे हैं, मान रहे हैं गिल्टी अपने आप को, लेकिन वो मौका दे रहे हैं कि आप पहले आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि हर बार शायद आपने ऐसा ही किया है। तो फ्रेंड्स, पाइल टू का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको ये आइडिया आ गया है आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात पे प्यार आ रहा है, और इस केस में तो वही बात है जिस पे प्यार आता है, वही बात है जिस पे गुस्सा आ रहा है, इस तरह के मिक्स्ड इमोशंस एक ही बात को लेकर आपके पर्सन को इस वक्त आपको लेकर हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी, क्या क्या आपका रिजोनेट हुआ, क्या नहीं रिजोनेट हुआ बताइए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए, आपका चैनल है हमेशा, इससे प्यार दीजिए। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।